Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 23 इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और आज भी हम कुछ नए अल्फाज और कुछ नए माना जो हम मुतरादिफ अल्फाज होंगे उनको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो उसे देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर सिर्फ उर्दू अल्फाज की वीडियो आपको देखने मिलेगी। आप अगर चाहें तो उर्दू जो कोर्स था हमारा 19 दिन का, उनकी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और अगर आप उर्दू अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उर्दुगुल गाज़ी की जो उर्दू किताब है उसके भी 10 पार्ट्स रखे जा चुके हैं, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एक लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, उर्दू की चौथी किताब में आपने पढ़ा होगा, अगर चौथी किताब के आपने तमाम पार्ट्स तमाम वीडियोस देख ली है। तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में काहिर, काफ से है ना। काहिर का माना होता है ज़बरदस्त, जैसे कहर कहते हैं ना, कहर गज़ब, तो वही काहिर ज़बरदस्त। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है मह, मीम और हा, तो मह का माना चांद होता है ना, जिसको हम इंग्लिश में मून कहते हैं, मून चांद, ठीक है। और इसके कई मुतरादिफ अल्फाज आते हैं। अब हमने उर्दू अल्फाज की जो पहले की वीडियोज है उसमें पढ़ा भी है कि कई मुतरादिफ अल्फाज आते हैं, जैसे मह माने भी चांद होता है, माह माने भी चांद, हिलाल माने भी चांद होता है, इसी तरह कमर का मतलब भी चांद होता है ना। तो बहुत सारे मुतरादिफ अल्फाज आते हैं, पहले की वीडियोज़ में इसे बताया जा चुका है। देखिए, इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा ओझल, कहते हैं ना कि कहाँ ओझल हो गए, तो ओझल का माना होगा गायब हो जाना है ना, यानी दिखाई न देना, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है आपने सुना होगा, इसको बार बार काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये फेल, फा आइन लाम, फेल, तो फेल का माना क्या होता है, काम, जैसे कहते हैं ना फेल बद यानी बुरा काम, ठीक है, फेल हसन यानी अच्छा काम, कहते हैं ना कि हमारे हाथ से कोई ऐसा फेल नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग फेल यानी वो जो फेल हो जाते हैं ना, जैसे इम्तिहान में या एग्ज़ाम में फेल, तो वो फेल समझ लेते हैं, लेकिन वो फेल होना नहीं है, फा आइन लाम फेल, ठीक है, तो इसका माना क्या होगा, काम, ठीक है। देखिए, इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है फुरूग, तो फुरूग का माना होता है तरक्की। और एक और मुतरादिफ लफ्ज़ है इसका जो इस्तेमाल होता है इसी माना में, जिसको हम रौनक कहते हैं ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा घनी, जैसा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो ये गनी का माना मालदार होता है, रिच मैन, मालदार, ठीक है। और इसकी जो जमा है यानी ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो तो वो अगनिया। लेकिन एक और बात आप यहाँ पे मतलब ध्यान में रखिए कि जब ये घनी लफ्ज़ है, घनी जो शब्द है, वो अगर किसी शख्स के हक में होगा ना, किसी शख्स के लिए बोला जाएगा, तो उससे मुराद मालदार लेंगे, ठीक है। और जब ये अल्लाह अज़्ज़ोजल के हक में इस्तेमाल हो या अल्लाह अज़्ज़ोजल के हक में बोला जाए तो इसका माना होगा बेनियाज, यानी अल्लाह अज़्ज़ोजल बेनियाज है, ठीक है। देखिए, इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा मुत्तकी, तो मुत्तकी का माना होता है परहेज़गार। और परहेज़गार का माना भी समझ लीजिए आसानी से कि मतलब अच्छे काम करने वाला, परहेज़ करना बुरे काम से, ठीक है, बचना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है गैब, तो गैब का माना होता है पोशीदा चीज़ यानी छुपी हुई, कहते हैं ना, और कोई गैब क्या, यानी छुपी हुई चीज़ क्या, तुमसे निहा हो भला, आपने शेर सुना होगा नाते पाक का, तो गैब का माना क्या होता है, पोशीदा चीज़, छुपी हुई। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ताकुब, तो ताकुब का माना होता है पीछा, पीछा करना, या एक और मुतरादिफ लफ्ज़ यानी एक और इसका माना आता है ताकुब का माना होता है बदला, यानी किसी का ताकुब करना, यानी बदला लेने के लिए उसका पीछा करना, या फिर सिर्फ उसके पीछे लग जाना, उसका पीछा करना ताकुब यानी, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा इंस, कहते हैं ना इंसो झा, तो इंस का माना भी इंसान होता है, ठीक है, इंस यानी इंसान। और एक और लफ्ज़ है उर्दू में जिसको हम यूज़ करते हैं ना, जैसे बोला जाता है ना जुमला, तो जुमला एक होता है जो कलीमे से मिलकर बनता है, सेंटेंस जिसको कहा जाता है, वो भी जुमला। और एक और माना होता है कि जुमला यानी तमाम, तमाम यानी सब, कुल, कहते हैं ना जुमला लोग चलें यानी तमाम लोग और सब लोग, ठीक है, इस तरह इसको इस्तेमाल होता है उर्दू में। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ऑल यानी सब। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आपने सुना होगा इसको, ज़्यादातर ये यूज़ होता है हत्तल इमकान, तो हत्तल इमकान का माना होगा है ना, आप देख लीजिए किस तरह लिखा जाता है, हत्तल इमकान, जहाँ तक हो सके, ठीक है,
जहाँ तक बन पड़े, जहाँ तक हो सके। कहते हैं ना कि आप जा रहे तो वो चीज़ हत्तल इम्कान, यानी जहाँ तक हो सके वो लेके ही आना, यानी पूरी पूरी कोशिश करना, आप अपना जोर लगाना जहाँ तक हो सके। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा मातहत। तो माँ तहत का माना क्या होता है? माँ माने फिर वो, बहुत सारे लफ्ज़ सुनते हैं ना तो ये समझते कि माँ यानी माँ मदर, ऐसा नहीं। माँ वो जो लिखा जाता है उसमें मीम के बाद गुन्ना आता है, मीम अलिफ और गुन्ना, तो वो माँ मदर का माना इस्तेमाल होता है उस लफ्ज़ में। लेकिन ये मीम अलिफ और तहत, तहत का माना नीचे होता है। तो माँ तहत माने किसी अफसर के नीचे, किसी लीडर के नीचे, है ना। जैसे बॉस के नीचे कोई अगर क्लाइंट काम कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, भाई आप अपने बॉस के मातहत, यानी आप उनके हाथ नीचे या उनके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में मुत्तफिक। आपने सुना होगा मुत्तफिक का माना होता है एकाई, यानी इत्तेफाक होना, यानी एक साथ होना, ठीक है, एकता के साथ होना। देखिए इसी तरह एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उर्दू में ताज़िंदगी। तो लफ्ज़ ता है ना, उसको आप पहले समझिए। ता का माना होता है तक, ठीक है, फारसी लफ्ज़ है। ता का माना क्या होता है? तक। अब अगर ये ज़िंदगी के साथ बोला है तो ता ज़िंदगी, यानी जब तक ज़िंदगी रही तब तक। इसी तरह ता उम्र, तो उम्र भर तक, ठीक है। इसी तरह ये दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है हुक्मरान। तो हुक्मरान, ये हुक्म हाकिम की जमा है, हाकिम यानी हुक्म देने वाला, हुक्मरान यानी हुक्म चलाने वाले, बड़े बड़े जो हुक्मरान होते हैं ना, बड़े बड़े जो अफसर, इनको हुक्मरान कहा जाता है। इसी तरह आज की उर्दू अल्फाज का लास्ट, जो आज की वीडियो का लास्ट लफ्ज़ है वो है बगावत। तो बगावत का माना होता है किसी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई करना, यानी अकॉर्डिंग लड़ाई करना, ठीक है, बगावत यानी। और एक और दूसरा भी इसका माना इस्तेमाल होता है कि बागी, यानी जंग छोड़कर चले जाना, धोखा दे देना, बगावत कर देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल और नए अल्फाज जानेंगे पार्ट नंबर 24, पार्ट नंबर 24 में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।